Before Time Throw, I was preparing for CA examination. That was very competitive exam. हमने Time Throw में एक चीज देखा सर, इसमें BFSI है, जिसमें आप banking, finance, insurance and security market में चारों किसी भी उसमें finance के उसमें अपना career grow कर सकते हैं. सबको होता है mentally satisfaction and financial satisfaction. Financial satisfaction सबको जरूरत होती है क्योंकि compulsory है, but mentally भी होता है. This is my placement story and I am placed from Time Throw. I am Anurag Mishra. I am from Pratapgarh. Right now, I am working in CSB Bank as a assistant manager in Faridabad branch. Before Time Throw, I was preparing for CA examination. That was very competitive exam, and that is passing percentage was very less. मैंने plan किया कि मुझे banking industries में जाना है या financial industries में जाना. तो मैं search कर रहा था, ठीक है, YouTube पे search कर रहा था, Google पे भी search कर रहा था. तो और कुछ consultancy agencies में भी मैं गया था. तो मुझे गूगल और कंसल्टेंसी एजेंसी के थ्रू पता चला कि टाइम्स प्रो ऐसा है जो हमें बैंकिंग में अपना करियर बनाने के लिए फुल्ली हेल्प करेगा. हमने टाइम्स प्रो में एक चीज़ देखा सर, इसमें BFSI है, ठीक है, जिसमें आप बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस एंड सिक्योरिटी मार्केट में चारों किसी भी उसमें फाइनेंस के उसमें अपना करियर ग्रो कर सकते हैं, ठीक है. और यहाँ का जो सबसे अच्छी चीज़ एक लगी कि NISM के एग्ज़ाम करवाए जाते हैं. अगर वहाँ से आपको 100% आपको फाइनेंशियल सेक्टर में अपना करियर ग्रो करने में फुल्ली हेल्प मिलेगा उससे. वहाँ पे आपको बैंकिंग नॉलेज भी मिलेगी और शेयर मार्केट के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में और इंश्योरेंस के बारे में फुल्ली नॉलेज मिलेगी. मेरा फैकल्टी बहुत ही सपोर्टिव था. तो अगर मैं अपने टीचरों के भी नाम लेना चाहूँगा, शिक्षा मैम वहाँ पर टीचिंग गाइड करती थी, तो उन्होंने मुझे बैंकिंग में कंप्लायंस से रिलेटेड सारी नॉलेज दिया और प्रैक्टिकल से रिलेटेड सारा चीज़ तन्वी मैडम ने दिया, ठीक है, क्योंकि आप बैंकिंग में जा रहे हैं तो सर प्रैक्टिकल और कंप्लायंस आपको इन सारी चीज़ों को बैलेंस करना है. टाइम प्रो के साथ लर्निंग एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि जब मैं टाइम प्रो में नहीं था तो उस समय मेरा बैंक में अकाउंट नहीं था, क्योंकि मुझे बैंकिंग नॉलेज थी ही नहीं ना. भी मैं केवल बैंक में गया भी था तो वो डिमोनेटाइजेशन में दो बार गया था लाइन में लगने के लिए. जैसे कुछ पार्ट्स जो है जो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं आज भी मेरे लाइफ, मेरे बैंकिंग करियर में, बैंकिंग प्रैक्टिकल लाइफ में. जैसे वहाँ पे प्रेजेंटेशन जो कराए जाते हैं, वो आप जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे, जब कस्टमर के साथ डील करेंगे, वो प्रेजेंटेशन के ही स्किल आपको कस्टमरों के साथ डील करने में फुल्ली हेल्प करेगी. और जो कुछ ऐसे चीज़ें बेसिक नॉलेज जो बैंकिंग के आपके कोर एरिया हैं, जैसे आपको RTGS सोच करना ही है, क्लियरिंग रोज करना ही है, कस्टमर आपके पास आएगा, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट का सा है क्या, उन सब की चीज़ों में पूरी नॉलेज होगी, तभी आपसे कस्टमर सेटिस्फाई होगा. तो ये सब सारी नॉलेज जो है मुझे टाइम प्रो से गेन हुई. उसी के बाद से मेरा जो ग्रो हुआ अपने करियर में वो बहुत फास्ट हुआ, ठीक है. तो आज ब्रांच ने ऑलरेडी मुझे ऑपरेशन हेड बना ही दिया है. इस जॉब के थ्रू मैं अगर अपने फैमिली को सपोर्ट करने की बात करता हूँ, तो देखो एक सबका होता है मेंटली सेटिस्फैक्शन एंड फाइनेंशियल सेटिस्फैक्शन. फाइनेंशियल सेटिस्फैक्शन सबको जरूरत होती है क्योंकि कंपलसरी है, बट मेंटली भी होता है. जैसे आज हमारी फैमिली प्राउड के साथ ये बोलते हैं कि लड़का हमारा बैंकर है, बहुत अच्छा फील होता है.